अगर आपने पटवारी से फर्द लेनी है तो सरकारी फीस के अलावा क्या देना पड़ता है? तो दिल करे वो 50,000 मांग ले। आपने पैसे किस चीज के लिए इनसे? मैंने कौन से पैसे? हराम खाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? मुझे 6 माह हो गए हैं चक्कर लगाते हुए, अभी तक काम नहीं हो रहा। मेरे ये काम नहीं करते। कहता बाबा 2 महीने ठहर, पराली हमारी इकट्ठी करा जा। मैंने कहा नहीं, अब मुझे इधर आता हूँ तो मुझे बस ऐसे देखता है जी मैं जिबा कर देना है। तलका इनका केस ही नहीं है। सबसे पहली बात ये, तो आपके घर के गए थे कि नहीं? मेरे घर इनको पूछे लेने क्या गए थे? क्या लेने गए थे? काम करवाने इधर नहीं सुनते थे लोग। कंप्यूटर की वजह से फिर ख्वार हो रहे हैं। माजरत। किस चीज़ की मदद कर रहे हैं? मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। आप लोगों को तंग कर रहे हैं, ये कौन बेहतर करेगा? बतौर हेड आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? नहीं। ये निज़ाम किस लिए बनाया गया था कि आप जैसे लोग बैठ के कहेंगे नो कमेंट्स? नो कमेंट्स। नाज़रीन, DC जंग कुदरतुल्लाह शहाब ने जब एक खातून की दरख्वास्त पर मौके पर एक्शन लिया तो उस खातून ने उनको एक तारीखी दुआ देते हुए कहा, बेटा माँ की दुआ है कि अल्लाह तुझे पटवारी लगाए। उसके जवाब में DC जंग ने कहा था कि अम्मा मैं DC हूँ, मेरे मातहत तो कई पटवारी हैं, तो आप मुझे ये दुआ क्यों दे रहे हैं? तो उस खातून ने कहा था, पुत्रा जड़ियाँ शाना ताकत पटवारी दियाँ ने वो तेरियाँ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर हकूमत ये कहती है कि उसने पटवार कल्चर का खात्मा कर दिया है और फ़र्द का ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ करवा दिया गया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर पटवारी का खात्मा हो चुका है तो फिर पटवारी पैसे क्यों ले रहा है, और अगर ऑनलाइन सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है तो इसमें लोग शिकायतें लेकर क्यों आ जाते हैं? आज की गिरफ्त इन्हीं लोगों के नाम होने जा रही है। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, दुनिया तरक्की करके चांद पर पहुँच चुकी है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी दादा के केसेस पोता लड़ता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह है महकमा माल और उसके पटवार खाने का निज़ाम जो आज भी फरसूदा का फरसूदा ही है। कई सालों से ये कावश जारी है कि हमारी अदालतों से दीवानी केसेस का दबाव कम करने के लिए महकमा माल की दुरुस्तगी के लिए कई इकदाम किए जाएंगे, जिनमें सर फहरिस्त फर्द रजिस्ट्री इंतकाल विरासत और ज़मीन के तकसीम के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर का क़याम था, जिसके बाद उम्मीद थी के भारी भरकम फाइलों से इस निज़ाम की जान छूट जाएगी। कोई भी शख्स जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त करना चाहता है अब ऑनलाइन निज़ाम के तहत खुद ही ज़मीन चेक कर लेगा और ज़मीन की तकसीम मलकियत के दौरान आने वाले फड्डे उसका हिस्सा में नहीं आएंगे। वो ज़मीन खरीदते वक्त या खरीदने के बाद अब पटवारी या फिर किसी रजिस्टर खाते और कागजी रिकॉर्ड का मोहताज भी नहीं होगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका के मिस्ताक ये महकमा भी लोगों को अब ख्वार कर रहा है। यहाँ एक शख्स इंतकाल विरासत फर्द के हुसूल के लिए सालों चक्कर लगाता रहता है। हमें शिकायत थी कि यहाँ पर भी साहिल यहाँ पर इस कदर चक्कर लगाते हैं कि वह दुनिया भर का कोई और काम करने की बजाय सिर्फ लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफिस में बीवी बच्चों बूढ़े माँ बाप समेत हजारों रुपए सरकारी ऑफिस में फीस देने के बावजूद शाम तक अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं, थक हार कर अगले दिन रिकॉर्ड मिलने की उम्मीद पर घर चले जाते हैं। हम जमीनी हकायक का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो पता चला कि नया निज़ाम पुराने से ज्यादा मुश्किलात पेश कर रहा है। हर तरफ शिकायत, शिकवे, गिले और बस, कहीं लोगों की लंबी लाइनें, कहीं अमला गायब तो कहीं फर्द इंतकाल के कागजात निकालने वाला प्रिंटर खराब है, यानी साइलिन की खारी का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। कागजों की जांच पड़ताल के लिए इतने कागजात मांगे जाते हैं कि यहां पर आने वाले साइलिन कागजात इकट्ठे करते करते खुद कचरे का ढेर बन जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि ये सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, अब लोगों को फर्द इंतकाल और रजिस्ट्री के जो मसाइल हैं उनके ऑनलाइन ही हल हो जाएंगे। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और उनसे जाकर भी पूछेंगे कि लैंड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के अंदर इतनी सुस्ती क्यों है कि यहाँ पर भी लोग सालों से ख्वार होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात है कि अभी तक हल नहीं हुई। तो 2 बजे का टाइम दिया गया था, अभी तक मेरी बारी नहीं आई। तो मैं देख रहा हूँ जितने काउंटर हैं उससे 50% स्टाफ भी सीटों पे नहीं बैठा हुआ। मेरा ख्याल है ये रेगुलर छुट्टी पे रहते हैं आधा स्टाफ और ये और तनख्वाह फुल लेते हैं। इंतकाल विरासत आसान काम है यहाँ पे इस मुल्क में? बस पचीदा हो गया ये कंप्यूटर का बजाय फायदे के बहुत लंबा काम हो गया। क्या नुकसान हो रहा है कंप्यूटर का? आप कब से आए हैं यहाँ पे? ये सर प्रोसेस बहुत लंबा है, पहले सादा था वो, उसमें चलो गड़बड़ तो थी,
जी, लेकिन अभी ये बहुत लंबा काम हो गया, हम कई दिन से आ रहे हैं। मुझे 6 माह हो गए हैं चक्कर लगाते हुए, अभी तक काम नहीं हो रहा। क्या कहते हैं ये? इंतकाल है, जो सरकार है वो नहीं दे रहे। कुछ 4 माह उनके जलील हुआ हूँ, वो कहते हैं हमारे पास सरकार। ये कहते हैं कंप्यूटर निज़ाम से बेहतरी आई है, तो क्या बेहतरी आई है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई बेहतरी आई। जो जमाबंदी थी ना पटवारी के, उसमें नाम आ रहा था और इधर कंप्यूटर में नाम नहीं आया। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? ये मेरा ख्याल है पिछले साल से शुरू है, 2019 से आ रहा हूँ। 2019 से आ रहे हैं और आपका इंतकाल नहीं हो रहा? मैंने सारा ना बड़ी मेहनत की है, ये उधर से लाया हूँ सारे ना जमाबंदियाँ, वो पटवारी से सारा। जो महकमा माल का रिकॉर्ड है वो आपका ठीक है? वो ठीक आ रहा है, उधर से ठीक आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं हमारे कंप्यूटर में नहीं आ गया नाम आपका। ये खराब करते हैं इनको। क्यों जी, आपका प्रिंटर ही काम नहीं करता? कल नया आया। हाँ जी, कल नया प्रिंटर आया, वो पुराना पड़ा हुआ है, ये नया, इसको पता नहीं है प्रिंटर नया है या पुराना है। इतने पैसे लेता है ना महकमा माल ले रहा है, तो फिर ये सिस्टम आपका क्यों खराब है? इसको ये नया आया है कल, तो ये चल नहीं रहा। जो खरीदारी कर रहे हैं वो भी इस तरह के बैठे हुए हैं जिस तरह महकमा माल है सारा। मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं रोनत क्या करूं। मांगड़ साहब इधर हैं। हाँ जी, उनका तरले करता रहा हूं, जब जिस दिन कोरोना खुला है जी, उनके तरले करता रहा हूं, कोई नहीं माने। फिर मैं उनके गांव गया हूं, इस तरह रात को सफ़र करके भूखा अमान कुरान से, मैं कहा जी हाँ मैं तो आ गया हूं, चलो आज इधर आप इधर ही रहो, तुम्हारा काम करूँगे फिर चले जाना। गए पट्ठे वड्ढे चलाओ, चारा काटो। चारा काटा है, काटा जब चारा काटा शाम पड़ गई है, तो मेरे ये काम नहीं करते। मैं देखा मांगड़ साहब मेरे पास नहीं होता, कहता बाबा 2 महीने ठहर पराली हमारी इकट्ठी करा जा। मैंने कहा नहीं, अब मुझे इधर आता हूँ तो मुझे बस ऐसे देखता है जिमें जिबा कर देना है। मांगड़ साहब भाई इधर हैं, पूछो मेरे होते हैं, पूछो। आए ना कौन है मांगड़ साहब, आए ना जी दिखाए ना। करो मांगड़ साहब को पूछो मेरे सामने। प्रिंटर वाला ये। हाँ, मुझे ले चलो जी, मेरे सर पर प्रहार रखो। आए ना जी मांगड़ साहब, आप हैं मांगड़ साहब? हाँ, ये मांगड़ साहब हैं, ये मांगड़ साहब हैं। ये कह रहे हैं मैं अपनी फर्द के लिए वहाँ पर गया हूँ रजिस्ट्री के लिए, आपने इनसे चारा कटवाया है, हल चलवाया है। इस तरह बात नहीं है, इस तरह बात नहीं है, जिस तरह ये कह रहे हैं ना। हाँ जी, आप इनकी डिटेल जो है ना बाकी लोगों से इकट्ठी करें। इनसे पहले यहाँ इकबाल साहब थे और इन्होंने 4,000 रुपया दिया, बाहर आदमी बैठा था, रिश्वत। इनका काम वो फ्री करना चाहते थे बगैर किसी पैसे के, इनके सामने रोते रहे जाकर, ये उन्होंने यकीन कर लिया कि ये बड़े गरीब। चारा कटवाया मांगड़ साहब? मैंने कोई चारा काटा है, ये सारा झूठ, ये सारा झूठ बोलते हैं। मेरा ये काम नहीं, मैं जाना है, ये बोलता है पराली हमारी इकट्ठी करा दो दो। इस तरह कोई बात, ये सारी इसकी गेम है। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मान कुरान झूठ नहीं बोल रहा, मुझे कर्मा नसीब ना हो मरने गया या नहीं, मैं गया गाँव में उधर जाके छाते लोग, इसके पिंड के बंदे कहेंगे कि बाबे ने पट्ठे काट रहे हैं, ना कहें तो मेरा जो चोर की ये आपके घर ये गए थे कि नहीं? मेरे घर ये इनको पूछे लेने क्या गए थे, क्या लेने गए थे? काम करवाने इधर नहीं सुनते थे मेरे, चारा कटवा लिया। 4 महीने मैंने लगा हूँ बाबा, मेरे का वो काम है नहीं, मैडम से जाकर पूछे वो काम किसके मुतलक है। आपके घर गए तो आपने क्या पता? मुझे पता नहीं कहां से आ गया करने लगा हूं, तो आपने इनसे चारा कटवाना शुरू? मैंने कोई चारा नहीं कटवाया इनसे, तमाम कान कान कुरान से काटा जो कब का बुला था, उधर चलो गांव में सारी पैसे मैंने इसके लिए कार का मैं दूंगा, उधर चलो। वो बंदे पिंड के कहेंगे तो फिर मानना नहीं ना मानना, चलो गांव में चलो, गांव में चलो। ये एक बुजुर्ग है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने इंतकाल के लिए गया हूँ, मांगड़ साहब मौजूद हैं, तो चारा कटवाया गया है उनको, सारा दिन उधर रखा गया, फिर कहा गया 2 महीने और रहें, उसके पास कहा गया भैंसे खोल के लाएं, भैंसे उन्होंने भैंसों को नहलाया है, भैंसे दुलवाई हैं, उनका दूध दोया है, फिर इसको छुट्टी मिली है, लेकिन इसका काम आज तब हुआ है जब हम यहाँ पर आए हैं, तो अभी बताया गया अभी साइन हुए हैं अभी इधर से, मुझे अब चेता भूल गया किधर कलाया, 16 नंबर कलाया है, 16 नंबर भेजा ना जी, इधर 16 नंबर भी दे दें आप, उधर खड़ो गाँव में, फिर बात बनती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप दें।
यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, कहते हैं कंप्यूटर से निज़ाम बेहतर होगा, लेकिन लोग कंप्यूटर की वजह से फिर ख्वार हो रहे हैं। माजरत नहीं, ये बात तो की जा सकती है ना कि इतना रश है, कई कई दिन कंप्यूटर की वजह से भी लोग यहाँ पे आते हैं तो वो ख्वार होके जाते हैं, वो उसको ठीक करना भी तो जिम्मेदारी है ना। माजरत, किस चीज़ की मदद कर रहे हैं आप? मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता भाई। ये जो हालात आप लोगों को तंग कर रहे हैं, ये कौन बेहतर करेगा? बतौर हेड आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? नहीं, नहीं भाई, माजरत मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। आप इंटरव्यू ना दें, लेकिन लोगों की मुश्किलात कैसे कम हो सकती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पाबंदी लगाई है, नहीं दे सकते। लोगों की मुश्किलात कम करना किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी है भाई? माजरत, माजरत, नो कमेंट। ये देखा ना, ये निज़ाम किस लिए बनाया गया था कि आप जैसे लोग बैठ के कहेंगे नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। यहाँ पर लोग बाहर ख्वार हो रहे हैं और ड्यूटी ऑफिसर कह रहे हैं कि नो कमेंट्स। कोई ख्वार होता है, हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इनको अलाउ नहीं किया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या इनको ये अलाउ कर दिया कि बाहर लोग ख्वार हों, जलील हों? इतने इतने घंटों लोग बैठे हैं, कई एक बंदा कहता है मैं 2019 से यहाँ से आ रहा हूँ। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपसे ये नहीं पूछती कि इसकी तकलीफ दूर करना किसका काम है? कोई कमेंट्स नहीं। ये आपका नो कमेंट्स इस निज़ाम के ऊपर तमाचा है कि जहाँ पर आप अपना काम डिलीवर नहीं कर पा रहे वहाँ पर आप ये कह रहे हैं नो कमेंट्स। अगर आपने पटवारी से फर्द लेनी है तो सरकारी फीस के अलावा क्या देना पड़ता है? तो दिल करे वो 4,000 मांग ले। आपने पैसे किस चीज़ के लिए इनसे? मैंने कौन से पैसे? हराम खाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? हमारे मुल्क में आने वाली हर हुकूमत दावा करती है कि वो पुलिस कल्चर ठीक करेगी और पटवारी को सिस्टम से ही गायब कर देगी, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी पटवारी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बड़े धड़ल्ले से अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। एक 11वें स्केल के बंदे को आपने इतने इख्तियार दिए हैं कि उसका साइन किया हुआ पेपर सुप्रीम कोर्ट तक चलता है और कई नस्लें। अब तो उसके पास इख्तियार कम हो गए हैं, पहले जो अंग्रेज दौर में हुआ करते थे उससे ज़्यादा इख्तियार थे। एक फर्द की फीस कितनी है और पटवारी कितनी ले रहा है? एक फर्द की फीस खतौनी के हिसाब से होती है 50 रुपये, उसमें अगर दो खतौनियाँ आ जाए तो 100 रुपये आता है। ठीक है जी, लेकिन जो कंप्यूटर में है वो ज़्यादा है, वो 1500 रुपये बन जाती है फीस। तो वो जो 1500 कंप्यूटर में बचते हैं वो टोकन फीस पटवारी लेता है? वो टोकन नहीं, वो उसका कंप्यूटर का जो है ना सिस्टम, उसका पटवारी से कोई तलक नहीं है। ठीक है ना, वो ऑनलाइन हो गया ना, वहाँ पर आपने 15,000 दे दिया, 20,000 दिया, आपको पता चला 1500 वो सरकार के खजाने में गया। खजाने में गया। पटवारी लाखों मांगता है, वो किसके खजाने में? नहीं, पटवारी लाखों नहीं मांगता, अगर कोई करता है तो वो ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं कि वो गली रस्तों की फर्द हो तो उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं ये लोग। पटवारखाने में क्या करने आए सर? फर्द एक लेनी थी। अच्छा, आप समझते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि पटवार का सिस्टम होना चाहिए? पटवार का होना चाहिए। तो पटवारी तो हज़ारों रुपये ले रहे हैं, आज भी एक पटवारी पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। 1000 रुपया ले लिया हो? नहीं, 20,000 रुपये लिया। अच्छा, उन्हें 20,000 रुपया ले लिया, वो 20,000 देना फिर भी बारे जे इतने जो दलील होना वो सरगी दे आए हैं तो हम चले हैं वापस, काम फिर नहीं होया, वो काम नहीं चंगा। आप समझते हैं रिश्वत दे के काम करवा लें? आप खुद ही चाहते हैं कि रिश्वत दे के करवाएं? ये जो निज़ाम है इतने तो सानू आज नहीं होया, सानू तो 10 देना होंगे, एक फर्द लेनी। क्या लेने हैं? फर्द लेने हैं, क्या लेने हैं जी? मैं बयान देने हैं। बयान देने हैं। ये निज़ाम हमारा पटवारी का ठीक है या बेहतर होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। क्या है मसला एक आम आदमी को? आपको सर ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अदारा बनाया है, ठीक है, इधर बहुत जलालत है, बड़े गाँव के लोग आते हैं देसी, उनको पता नहीं क्या करना है, किधर जाना है, माल दें, सब कुछ हो जाता है। आज आप कितने, अगर आपने पटवारी से फर्द लेनी है तो सरकारी फीस के अलावा क्या देना पड़ता है? सारा को मसला होना तो दिल करे वो 50,000 मांग ले। बाकी 1.5 साल हो गया दरखास्त कोई नहीं हुआ। कब से आप इस प्लाट को छुड़ा? 2008 से शुरू है वो काम। 2008 से आप वो काम है। हमें एक शहरी ने बताया कि उससे इलाके का पटवारी विरासत के इंतकाल के पैसे अलल ऐलान मांग रहा है, जिसके बाद हमने फैसला किया कि खुद कार्रवाई करने की बजाय एंटी करप्शन पुलिस और अदालत की मदद ली जाए। हमने 5,000 के 4 नोटों पर पहले खुद छोटे छोटे निशान लगवाए, फिर मजिस्ट्रेट साहब से निशान लगवाने के बाद अपनी उस कार्रवाई को कानूनी शक्ल दे दी।
हम पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब को लेकर मुतल्लिका पटवारी फारूक के पास पहुंचे। पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में करप्ट पटवारी साहब की जेब से निशान जदा नोट बरामद कर भी लिए। इसके बावजूद वो करप्ट पटवारी बोला, ये रिश्वत नहीं है। जब हमने पटवारी साहब को पकड़ा तो हैरान कुन बात यह थी कि मौसूफ इससे पहले भी करप्शन के इल्ज़ाम में जेल काट चुके थे और कानूनी दाव पेच की कबड्डी कबड्डी खेलकर पटवारी साहब दोबारा इस ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठे थे। पंद्रह हज़ार रुपया पहले लिया, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। फिर उन्होंने पैसे की डिमांड कर दिया, फाइल कर रख दी थी उन्होंने। फोन इशू ये विरासत का इंतकाल है, ये रिपोर्ट नहीं कर रहे। आपने पैसे किस चीज़ के लिए इनसे? मैंने कौन से पैसे लिए? ये अभी आपकी जेब से पैसे जैसा ये वकील, ये इन्होंने क्या है कि मुझे वकील करके दें आप मैं कल बाहर जा रहा हूँ। तो सर एक मिनट बाद ये कह रहे हैं कि मैंने कल जो पहले 15,000 लिए हैं वो किस वकील के लिए? मैं कब लिए पहले 15,000? ये कह रहे हैं, ले रही हैं आप मुंह पे कह रहे हैं। सर ये जितने मर्जी कहे, मैंने तो हल्फन मैं कह रहा हूँ कि 15,000 रुपया मेरे से लिया है। पटवारी साहब, इस रियासत ने आपको इज्जत दी, पटवारी बनाया, बिल्कुल फिर हराम खाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? नहीं सर, मैंने कब पैसे लिए? अपनी जात के लिए तो मैं एक रुपया नहीं लिया। जेब से सर पैसे बरामद हुए, पैसे जैसा बरामद कर रहे हैं तो आप मुकर रहे हैं। सर ये देखिए ना, पैसे निशान ज्यादा नोट निकले हैं आपकी जेब से। सर पैसे तो और भी है ना मेरे पास, तो सबसे पैसे ले रहे हैं आपको? टैक्स मामला देख गया है मुझे, आदमी देख गए हैं। ये करप्शन नहीं है? नहीं सर ये मामला इस सारे मुल्क को पटवारी ने रोल के रख दिया हुआ है। सर ऐसी बात जाते नहीं हैं, लोग वरासतें इंतकाल करते, कई नस्लें खप गई आपके पीछे। नाज़रीन, पाकिस्तान में पटवार खाने को बेहतर करने के लिए हर हकूमत ने दावा किया और अपनी अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन इसके बावजूद भी ये करप्ट माफिया कोई ना कोई चोरी, कोई ना कोई करप्शन की राह निकाल लेता है। टीम गिरफ्त ने आज इस करप्ट और चोर माफिया की गिरफ्त की है और आइंदा भी हम करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा मिशन है और यही हमारी ड्यूटी। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।